सुप्रभात, मैं संजय गैतुड़ी, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्यावंतर इंटर कॉलेज नानामता के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय से हमने कुछ वीडियो पूर्व में भी बनाई थी, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। हमने इससे पूर्व की वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों पर चर्चा की थी। आज उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के ही से ही संबंधित दो टॉपिक हैं। एक है 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है, दूसरा है दांडी यात्रा 1930। दोनों ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पूछा भी जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उसके पीछे भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हम उसको इस टॉपिक से समझेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है, 26 जनवरी 1930 का महत्व। हम पिछली वीडियो में हमने देखा कि बहुत सारे कारण थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे, ये हमने उसमें चर्चा की थी। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, तो 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वह लाहौर में था। दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष चुने गए वह चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चूंकि अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था भारतीय जनमानस के प्रति, और भारतीय अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में पास हुआ, और यह तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 तक यदि कांग्रेस भारत को डोमिनियम स्टेटस प्रदान करती है, अर्थात एक स्वायत्त शासी इकाई बन जाएगा भारत, जिसमें भारत द्वारा शासन अपने ऊपर चलाया जाएगा, यदि ऐसा अंग्रेज करते हैं तो ठीक है, वरना हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसके बाद ऐसा ये जो प्रस्ताव हुआ है लाहौर अधिवेशन में हुआ दिसंबर 1929 में। तो उसके बाद जनवरी 1930 आया, तो 26 जनवरी के दिन भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर, पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य से 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था कि हमें पूर्ण स्वराज्य मिले। इसके लिए और शपथ ली गई 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उसके लिए शपथें ली गई, देशभक्तों के द्वारा शपथ ली गई कि हम भारतीयों का यह अधिकार है कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता हो, कार्य करने की स्वतंत्रता हो, यदि कोई सरकार हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, हमें ये अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, जनता का शोषण करती है, तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। और चूंकि अंग्रेजों ने भारतीयों का हर स्तर पर शोषण किया है, आध्यात्मिक स्तर पर, उस समय ये सारी चीज़ें हुई थी, आध्यात्मिक स्तर पर शोषण, आर्थिक स्तर पर शोषण, राजनीतिक स्तर पर शोषण और सामाजिक स्तर पर शोषण किया है, तो ऐसी शासन व्यवस्था का उखाड़ फेंकेंगे, ऐसी शपथ ली गई, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये इसका महत्व।
अब चूंकि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी प्राप्त हुई, हम स्वतंत्र हुए, अब स्वाभाविक है यदि 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो हम 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन 1947 तक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था पूर्ण स्वराज्य के लिए। अब चूंकि 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो अब दो दो स्वतंत्रता दिवस मना नहीं सकते हैं। 15 अगस्त को यदि आजादी मिली है तो 15 अगस्त को ही स्वाभाविक है कि हम आजादी मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी को क्या किया जाए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण तिथि है, एक महत्वपूर्ण दिन है, तो इसको भी यादगार बनाए रखना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या हुआ कि इस दिन से हमारा जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब जो भी लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वहां पर संविधान, संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्थाएं चले। तो 1946 में क्योंकि संविधान सभा का गठन हो गया था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ। लेकिन उस संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। नवंबर 1949 में तैयार हो गया, उसको 2 महीने बाद लागू किया ताकि इस वाली तिथि को यादगार बनाया जा सके। 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये थी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि और इस वाले टॉपिक के बारे में। तो हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन का भारतीय इतिहास में महत्व था, एक ऐतिहासिक दिन था और इसको यादगार बनाए रखने के लिए भारतीय तत्कालीन भारतीय नेताओं ने 26 जनवरी को चुना और उसी दिन से को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हो गया 26 जनवरी के बारे में। अब आते हैं हम दांडी यात्रा पर, यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। मैंने पूर्व में भी कहा था हम जो इन दो टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं यह दोनों ही सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब पढ़ते हैं हम दांडी यात्रा। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, उनके साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम गुजरात में, साबरमती आश्रम से समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है दांडी, वहां तक यह यात्रा चली। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लेते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ एक जन आंदोलन होना था, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने एक बार फिर यह प्रयास किया कि हम अपनी मांग अंग्रेजों के सम्मुख रख देते हैं, यदि वह मान जाते हैं तो ठीक है वरना हम क्रांति करेंगे ही। जैसे सामान्यतः देखा जाता है युद्ध वगैरह भी होते हैं तो उसमें दूत भेजा जाता है ना कि ये शांति संदेश आप लेकर के जाएंगे, युद्ध डाला जाए करके, ऐसे ही कुछ मांगे महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के सम्मुख रखी गई कि यदि वह मांगे मान लेती है तो ठीक, अन्यथा आंदोलन तो होना ही। तो 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने 11 मांगे रखी अंग्रेजों के समक्ष, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई है, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई है पत्रिका थी, 1919 में चली। यह साप्ताहिक अखबार था, एक साप्ताहिक पत्रिका थी एक जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी, और इसी पत्रिका के माध्यम से अखबार देते हैं ना, चीज़ें देते हैं सब लोगों तक पहुँच जाए करके, तो अंग्रेज सरकार तक भी उनकी यह बात पहुँचे, इसी उद्देश्य से उन्होंने यंग इंडिया साप्ताहिक अखबार में 11 मांगें रखी कि ब्रिटिश सरकार इन 11 मांगों को मान ले तो ठीक है, अन्यथा फिर हम आंदोलन करेंगे। तो वह जो 11 मांगें थी, उन 11 मांगों में सभी वर्गों का हित सम्मिलित था, किसान मजदूर वर्ग से संबंधित भी उसमें मांगे थी, मध्यम वर्ग से संबंधित आम जनता जो है उससे संबंधित मांगे भी उसमें थी,
उद्योगपति पूंजीपति वर्ग जो था भारतीय, उनसे संबंध भी मांगे थे इसमें। तो भारतीयों ने भी देखा कि हमारे हित की बात हो रही है महात्मा गांधी के द्वारा, तो उन सभी ने महात्मा गांधी को अपना नेता तो माना ही था पहले से, उनके नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए तैयार हो। ये मांगे क्या थी, एक बार मैं थोड़ा सा कुछ मांगों के बारे में बता दूँ। जैसे इसमें एक मांग रखी गई कि जो मालगुजारी है वो आधी कर दी जाए, कम कर दी जाए मालगुजारी, मतलब जो लगान है किसानों से जो लगान वसूला जाता था वो कम कर दिया जाए, किसानों के हित की बात हो गई। उसके अलावा नमक पर जो कर है, वह नमक पर कर, पहले नमक पर कर लगता था, भारत में ही नमक का उत्पादन होता था, भारतीयों के लिए उसको बेचने पर बड़ी ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था, कर लगता था नमक पर। अब नमक ऐसा है कि हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है, वह चीज है, बगैर उसके हम भोजन कर नहीं सकते हैं, मतलब बगैर नमक के भोजन करना स्वादहीन हो जाता है। तो अब नमक बहुत आवश्यक था, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगाया था, तो नमक कानून खत्म करने के लिए उस नमक कर के खिलाफ, नमक कर के खिलाफ आंदोलन था कि नमक कर को खत्म करा जाए, ये जिक्र था इसमें, नमक तो सभी उपयोग करते थे। उसके अलावा जो विदेशों से यहाँ सामान आता था पहले, अब जो कि अंग्रेजों ब्रिटेन से ही भारत में सामान आयात किया जाता था भारतीय बाजार में बेचने के लिए, अब लाने वाले अंग्रेजी थे, खरीदने वाले अंग्रेजी थे, पहले देश में इधर लाने के लिए अंग्रेज सरकार ही, भारत में अंग्रेज सरकार शासन कर रही थी तो वही उन सामान को आयात करती थी, उस पर कानून वगैरह बनाती थी। अब उन्हीं का सामान था भारत में बिकने के लिए आना था, तो जो उसमें जो कर लगता है तट कर, आयात कर जो लगता है वो कम था, उससे क्या हो रहा था उनकी कीमतें कम होती थी, भारतीय जो बाजार था उसमें विदेशी वस्तुएं खूब बिकती थी, लेकिन जो भारतीयों के द्वारा उत्पादित की जाती थी उनमें लागत अधिक आती थी, मूल्य ज़्यादा रहते थे, तो चीज़ें बिक नहीं पाती थी। तो ये मांग रखी गई कि जो विदेशों से वस्तुएं आप आयात करते हैं उनमें आयात शुल्क बढ़ा दिया जाए, तट कर बढ़ा दिया जाए, ताकि वो चीज़ें महंगी हो तो भारतीय जो उद्योगपति हैं वह अपने सामान को बेच सकें। तो उद्योगपतियों के बारे में इसमें बात हो गई। उसके अलावा जो मादक पदार्थ हैं इन पर रोक लगे, प्रतिबंध लगे, उससे आम जनता का भला है। उसके अलावा भारतीय भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके, ऐसा भारतीयों के लिए भी कानून बनाए, ये चीज़ें थी। बेमतलब का जो खर्च होता है सेना में या प्रशासनिक अधिकारियों पर जो बेमतलब का खर्च होता है वो कम करा जाए, ये सारी बातें, इस तरह की 11 मांगें अंग्रेजों के सम्मुख महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से रखा, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन यहाँ पर कौन था, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन देख रहे, तो लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी और यही मांगे उस चिट्ठी में लिखी इरविन के लिए कि मांगों को मान लो अन्यथा हम फिर आंदोलन के लिए आंदोलन करेंगे। तो इरविन ने कोई ध्यान दिया नहीं और वह मांगे जो है नहीं मानी, तो परिणाम क्या रहा, फिर तो होना ही था आंदोलन। तो फिर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। कहीं पर 79 में लिखा देखने को मिल सकता है आपको, तो अपने जो उनके अनुयायी थे उन अनुयायियों के साथ, महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान के लिए, समुद्र के किनारे स्थान है ताकि वहां जाकर के नमक बना करके नमक कानून तोड़ा जाए, उसके लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जो है यात्रा थी साबरमती से दांडी तक की, जो यात्रा थी वह थी 240 मील की है यात्रा थी, और प्रत्येक दिन 10 मील की दूरी तय की जाए, ये तय हुआ कि प्रत्येक दिन हम 10 मील की दूरी तय करेंगे, और ऐसे करते हुए 24 दिन में 240 मील की दूरी महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ पूरी की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया।
पहले नमक क्या अंग्रेजी बनाते थे वही बेचते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उस नमक कानून के विरोध में ही दांडी मार्च शुरू किया था। 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के तट पर जा कर के समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया महात्मा गांधी ने, और इसी तिथि से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्योंकि अवज्ञा का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजों की बात को नहीं मानना, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को नहीं मानना। तो महात्मा गांधी ने नमक बना करके अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया था, अर्थात अवज्ञा कर दी थी, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये 240 मील की दूरी थी, अगर इसको हम किलोमीटर में कहें तो इसको हम कह सकते हैं 385 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 390 किलोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। 385 किलोमीटर हम इसको की यात्रा में इसको कह सकते हैं। तो एक मील में 1.60 किलोमीटर लगभग होता है। तो इस तरह से ये 240 मील की यात्रा 24 दिन में महात्मा गांधी ने पूरी की। साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यह शुरू की उन्होंने, और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बना करके अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ दिया, और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब चूंकि 11 माह में जो महात्मा गांधी ने रखी थी उसमें सभी वर्गों के हितों की बात की, तो व्यापक जनसमूह महात्मा गांधी के साथ था और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब इस आंदोलन के तहत कार्यक्रम क्या क्या हुए, तो कार्यक्रम इस आंदोलन के तहत वही कार्यक्रम हुए जो आपने असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ा था, वही कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी होंगे। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी अंग्रेजों के खिलाफ था स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। तो इसमें जो विदेशी वस्तुएं उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, विदेशी शिक्षण संस्थानों का विरोध किया गया, भारतीय शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा दिया गया, शराब आदि जैसे जो मादक पदार्थ थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उनकी पिकेटिंग की गई, ये कार्यक्रम चले। अब इसके परिणाम क्या सामने आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हमने असहयोग आंदोलन के परिणाम देखे थे तो लगभग वैसे ही परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी आएंगे। क्या क्या परिणाम आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे, तो परिणामों पर बात कर रहा हूं मैं। तो परिणाम ये थे कि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई, हिंदू मुस्लिम एकजुट हुए, अंग्रेज सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधारों की ओर गया। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बना तो उसकी पृष्ठभूमि यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि क्रांतियां हो रही थी तो अंग्रेजों का ध्यान किया कि अब भारत में विशेष रूप से संवैधानिक सुधार करने चाहिए करके, वरना अगर क्रांतियां चलती रहेंगी तो शासन तो टिक ही नहीं सकता, तो संवैधानिक सुधारों की ओर उनका ध्यान गया। और उसके अलावा अंग्रेजों ने इसमें क्या करा कि सांप्रदायिक नीति को भी बढ़ावा दिया, फूट डालो वाली नीति को भी उन्होंने बढ़ावा दिया इसमें। तो ये सारी चीज़ें इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखने को मिली। अब और क्या हुआ इसमें थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1930 से यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसको हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। महात्मा गांधी भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनकर के भारत में शासन व्यवस्था को देख रहे। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है, कुछ बातें कुछ मांगे महात्मा गांधी की मानी जाती हैं, कुछ मांगे ब्रिटिश सरकार की मानी जाती है। तो इस तरह से एक समझौता होता है और 5 अगस्त 1931 को यह आंदोलन स्थगित हो जाता है, स्थगित हो गया 1931 में। और उसके बाद महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 में ही ब्रिटेन जाते हैं, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अंग्रेजों की नीति से, तो फिर जाकर के भारत आकर के पुनः 1932 में फिर जाकर के वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 2 वर्ष तक यह चलता है और 1934 में यह पूरी तरह से फिर स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला 26 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 से यह चला।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ तो स्थगित हुआ, फिर उसके बाद पुनः 1932 में है प्रारंभ हुआ और फिर 1934 में जाकर के स्थगित हुआ। तो ये दो टॉपिक हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित यहाँ पर देखे। अब अगले वीडियो में हम गांधी इरविन समझौते के बारे में कुछ जो प्रावधान हुए थे उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि जो 5 मार्च 1931 को गांधी और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उन समझौते के प्रावधान क्या क्या थे, ये भी कई बार पूछा जाता है उनके बारे में, और एक 1932 में पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। तो अभी तक ये जो भी आपको तीन चार वीडियो जो प्रोवाइड कराए गए हैं इनको आप ध्यान से देखें समझें, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये वीडियो बनाए गए हैं, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग देखिए, किसी प्रकार की दिक्कत होती है कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके कह भी सकते हैं या फ़ोन करके कह सकते हैं, लेकिन वीडियोज को आप देखिएगा, इन छुट्टियों का आप सदुपयोग करें, लॉकडाउन है घर पर रहें, अपने अध्ययन को स्वाध्याय को जारी रखें, आपको जो भी शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराई जा रही है एक आग्रह भी है मेरा आपसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपको फोटो वीडियोज जो दिए जा रहे हैं उसके अलावा विभिन्न विषयों में यूट्यूब के लिंक भी भेजे जाते हैं उनको आप देखिए और चीज़ों को समझिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं समझ में आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही विद्यालय खुलेगा जो जो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं यदि आपसे पूछी जाती हैं तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों का इन प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद।